रहे थे। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं त्वरण, है ना। और इसके पहले आपने पार्ट टू में देखा था कि इसको पहला नंबर तो एसेलरेशन बोलते हैं त्वरण, और जब ये चीज माइनस में रहता है इसको ए से शो किया जाता है ना। और जब ए यानी कि नेगेटिव त्वरण होता है, नेगेटिव एसेलरेशन होता है, मीन्स हो जाता है आपका ऋणात्मक एसेलरेशन हो जाता है, तो इसका एक नाम दे दिया जाता है जिसको कहते हैं मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। ध्यान देना, अगर ये माइनस में हो है ना आपको नकारात्मक तो बोलना इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये टर्म है आपका, ये साइंस का टर्म है, मंदन किसे कहते हैं। तो मंदन का मतलब जब त्वरण जो है का वैल्यू नेगेटिव में आता है तो उस चीज को मंदन कहते हैं, मीन्स रिटार्डेशन होता है। क्लियर है ना। दूसरा आपने ये देखा था इसके पहले कि त्वरण जो है आपकी ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज छोड़ रही है जो कि जरूरी है ना, आप लोग के लिए नया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया इन सब से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है भाई डायमेंशनल फार्मूला। हाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एनआईवी डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, और इस चीज को भी मैं इसको बोलते हैं विमीय सूत्र, और भर भर के पूछा जाता है ये चीज आपका, है ना, ये अच्छा तो खासा। तो आइए इतना बताते तो हैं। तो मतलब देखो नहीं डायमेंशनल फार्मूले के लिए सिंपल सा, मास के लिए या मास से रिलेटेड कोई भी चीज के लिए, है ना, चाहे वो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, कोई भी हो, तो मास को डायमेंशनल फार्मूला में कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, लंबाई को कैपिटल एल से, और समय को कैपिटल टी से, और ताप को थीटा से। ध्यान देना, यही है डायमेंशनल फार्मूला में, आपको यही चार चीजें ध्यान रखना होगा बस। क्लियर है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बताइए बल का इसीलिए तो मैंने बोला डायमेंशनल ये कि फार्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन वो साहब क्या होता है, ये होता है मात्रक, यूनिट होता है न्यूटन। लेकिन न्यूटन से काम कुछ होने वाला नहीं है, न्यूटन को और कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, है ना। अब यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो किलोग्राम का एम हो गया है ना, और मीटर का हो गया एल एल हो गया, और यहाँ समय का हो जाएगा टी, और टी स्क्वायर स्क्वायर नीचे रहेगा, और जब नीचे से ऊपर आ जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ये तुम्हारा बल का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है ना। ये तो ये भी अच्छा, विस्थापन का पूछ लिया जाए तो भाई ये सिंपल सा, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मतलब दूरी, और दूरी मतलब एल, बस इसका सिंपल सा एल है। वेग का क्या है, तो आप बताओगे है कि वेग जो होता है आपका क्या होता है, अभी आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, हो और जब ये टी ऊपर आएगा तो एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा जाएगा, चूंकि नीचे +1 है ना। तो माइनस यहां पर अगर पूछ लिया जाए वेग का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम सॉरी वन सॉरी एल टी टी माइनस माइनस वन, वन है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे L और T-1 हो गया, ये विमीय सूत्र हो गया। पूछ लिया जाए त्वरण का क्या होगा, तो आपने कहा एसलेरेशन मतलब ये होता है ना, क्या होता है कि एक पर वेग में परिवर्तन वेलोसिटी अपान समय, तो यहाँ वेग है ना, वेलासिटी है। टी वेलासिटी का माइनस भी वन आपने देखा ही एल टी माइनस वन होता है, और यहाँ पर टी का टी टी हो जाएगा हो जाएगा, तो जब टी ऊपर जाएगा तो टी तो माइनस यहाँ टू हो एल जाएगा टी -2 हो जाएगा। ये आप सिंपल सा ऐसे याद रखो, और आसान तरीका देखो, आपको पता है त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। अब मात्रक से और आसान, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर का एम ओ सॉरी एल हो गया, और सेकंड आपका सेकंड का टी क्या हो माइनस गया, टू टी -2 हो गया। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, वेग मीटर का हो गया एल और सेकंड का हो गया टी, और यहाँ पर सेकंड जब ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। गुरुत्व त्वरण का भी यही होता है, एल टी -2 ही होता है। भार का क्या होता है,
है ना, संवेगक आगे आते हैं ना, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। देखो अब देखिए, अब सब में आपको क्या तीन एक चीजें और देखनी है, दूरी का कैपिटल एल विमीय सूत्र हो जाएगा, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, अभी बताया गया एल केवल कैपिटल एल है ना, अच्छा चाल का क्या हो जाएगा तो एल टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, वेग का क्या हो जाएगा अभी डिस्कस हुआ था एल टी की पावर माइनस वन है ना, या एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना ये बताइए पहले है ना। तो एक चीज और ऐड करो हर चीज में, इसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला तो एल और टी की पावर माइनस टू, एक्चुअल में यही से निकल रहा मात्रक से भाई, मीटर का हो गया एल और समय का हो गया टी की पावर माइनस टू हो गया, इतना क्लियर। अब यही त्वरण जब आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है या गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ होता है तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू आकर्ष, एक्सेलरेशन आकर्ष ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऐसा त्वरण जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को ए से नहीं बल्कि जी से जाता है। एक मिनट भाई, बस एक मिनट, एक मिनट कनेक्ट हो जाने।